एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक पुरनूर सुबह, रोज खुद को नई रूप में धार लेना। बेटा कि मौसम पे भी कोई भरोसा नहीं, कुछ दिन पहले क्या मौसम थी और अब सूरत हाल ये है। अपनी फितरत को कुदरत के साथ बांध लेना। और पता है मैं जब भी कोई उर्दू तहरीर लिखता हूँ तो सिर्फ वो सफ़र में ही लिखता हूँ। अब देखिए मेरे पीछे ये मौसम खजा की पहली जो है गुन आ रही है, आज बहुत एक पुरमसर सफ़र होने वाला है। मेरे साथ सिर्फ एक घंटा है कोच निकलने की, फिर कोच निकल जाएगी और मुझे अभी अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। एक नाकाम कोशिश के जरिए मिजाज हादम को संवार लेना। ब्लॉगिंग करना कोई मुश्किल काम भी नहीं और आसान काम भी नहीं है। पहले स्क्रिप्ट बनाओ, फिर वीडियो बनाओ और फिर एडिट करके अपलोड करो। और ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, मुझे लगता है ये 10 दिन बाद अपलोड होगी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, पर इस बार देर नहीं हुआ बल्कि वक्त पर पहुंच गया। वो सीट पसंद कर ली जो मेरे तसव्वुर में था, ताकि सीट पर बैठकर मैं कुदरत के शोख रंग देखूं, वो रास्ते, वो बयाबां, वो सहरा जिनके दिलकश नज़ारे मुझसे अक्सर बातें करते रहते हैं। मैं कैसे बयान करूं उन रास्तों के वो दिलनशीं मरहले, कभी काले पहाड़ तो कभी खुश्क बंजर और गैर आबाद ज़मीन, कभी रेगिस्तान और सहरा के बीच रास्ते बनाते हुए। आप सब पर सलामती हो। इस वक्त अल्लाह की फजल करम से हम लोग 3.5 घंटे सफ़र करने के बाद पदक पहुंच गए, और पदक पहुंच कर यहाँ पे हम लोगों ने जो है खाना खाया। और सफ़र में अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, एक आपके मिजाज के मुताबिक आपका दोस्त और दूसरा आपके साथ एक अच्छी किताब। और 3.5 घंटे बहुत लंबा सफ़र था, अभी आगे भी मज़ीद तकरीबन 2.5 घंटे तक सफ़र और करना है। पदक में हमारी लिखी गई रिस्क हमें नसीब होकर फिर से हमारी कदम उस मंजिल की तरफ रवा हुए जिस पर मैं गामजन हुआ था। दालबंदीन में मेरे दोस्त मेरे इस इंतजार में थे कि बाकी यानी 168 किलोमीटर का सफर साथ होकर करें। रास्ते में यकमच पहुँच कर कहवा चाय का सीन बना, चाय पीकर फ्यूल भर ली और बागी का सफर फिर से शुरू किया। और मैं तो अपने दोस्तों की मुतारिफ कराना भूल ही गया, रुकिए बल्कि साइड कीजिए। एक बात बताऊं कि यहाँ पे फसल नहीं उगता, और फसल क्यों नहीं उगता उसकी खास वजह है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। कोई सुल्तान एक ऐसा जगह है, कड़वा पानी है लेकिन पिकनिक पॉइंट का बहुत बेहतरीन जगह है वो, लेकिन मैं जितना भी तारीफ करूँ कम है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जगह है कोई सुल्तान माशाल्लाह। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, बहुत ही बेहतरीन नजारा है जी। बहुत शुक्रिया माजिद बलोच जो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे क्वेटा में पहाड़ होता है तो वहाँ पे सनसेट का जो आप मजा वहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे जो है पहाड़ नहीं है। अब मेरे पीछे देखे गुरूब आफ्ताब होता है, सूरज अलग ही यहाँ पे कैफियत है जो आप इससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। खूबसूरत और यादगार सफर को शुरू कर दे। सफर तो फिर से जारी हो गई, पर मैं ये भूल गया कि मेरे मोबाइल का चार्ज अपनी इख्तिताम पर पहुंच गया, और इसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक्त हम नौकंडी पहुंच गए। अगली सुबह फिर से जुनूनी लड़का बेदार हुआ। अस्सलाम वालेकुम, ये है नौकंडी की पहली सुबह। और इस पहले दिन में नौकंडी की तारीखी मकामात पर जाना मुनासिब समझा, और हमारी आंखों ने वो जगह देखी जहाँ जाना मेरी ख्वाहिश और मकसद था। अब आप कहेंगे ये कौन सी जगह है जहाँ मैं आया हूँ।
तो मैं आपको बताता चलूं। तो आपको दिख रहे ये बेड है, ठीक है, और ये कुर्सियां हैं, और ये बुखारी की जगह, ये सारे जो है ये पहले ज़माने की हुआ करते थे, और ये बिल्कुल इसी तरह महफूज है। ये जो कुर्सियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ये पीए हाउस था और यहाँ पे वो बैठता था, और ये लकड़ी जो है ये भी पुरानी है, और ये उसकी बेड था, और ये बेड भी उसी तरह है। अच्छा, गर्मियों में जब हवा आती थी तो यहाँ पे इस खिड़की को खोल कर, और इसी खिड़की को भी खोलते थे, तो यहाँ से हवा आता था और यहाँ से जो है इस हवा को पास करते थे। बुखारा इसने बनाया था, तो इस बुखारे में एक चीज़ है कि जब ये आग यहाँ पर जलती है तो ये पूरा जो है कमरा ये गर्म होता था। इसकी वजह क्या है, इसकी खास वजह ये है कि जब आप देख सकते हैं इतनी यहाँ पे मोटी दीवार है, तो ये जो है बुखारा भी इनके दरमियान से ये पूरी कमरे को ये गर्म करता था। ये जो है कमरा पीए हाउस का था, और इसके साथ ही एक और कमरा है जो उसके मेहमानों का था, और वहाँ पे मेहमान आके बैठते थे, तो उस कमरे में जाके विजिट करते हैं। आइए, ये उनकी मेहमान खाना था, यहाँ पे मेहमान आके बैठते थे। ये कमरा भी सेम उसी तरह बना है, इसके दरवाजे भी लगे, और ये बुखारा भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बुखारा है। इन तारीखी मकामात के बाद दोस्तों ने फैसला किया एक नामालूम पिकनिक का। जी हाँ, नामालूम पिकनिक। अब पता नहीं कि कहाँ जाना है, बस खाने पीने का सामान समेट लिया और बस चल पड़े। अब जाना कहाँ है कुछ नहीं पता, जब मंजिल की सिमत मुतईन ना हो तो इंसान भटकता रहता है। जाना कहाँ था और निकल कहाँ पड़े। मंजिल करीब थी, फिर हमने फैसला किया कि हम पैदल सफर कर लेंगे ताकि मैं अपने कैमरे में ज्यादा से ज्यादा सीन बना सकूं। अब जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो पथरीली जमीन है, इन सब जगहों पे जहाँ तक आप, और वो जो है कोई सुल्तान है, जो मैंने कहा था पहले भी, जो नोकोंडी की सबसे बड़ी पिकनिक पॉइंट आप कह सकते हैं, और बहुत जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। फुल ब्लैक वाली पत्थर यहाँ पे चारों तरफ है, चलने पर भी कासिर हूँ, मुझे इतना गर्मी कर रहा है, और जो कोट मैंने पहना था वो भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं निकाल दूँ। खुद आप महसूस कर सकते हैं कि अभी इस टाइम क्या हुआ, मौसम कैसे चल रहा है, लेकिन गर्मियों में तो जून जुलाई है सर, गर्मी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे काले काले पत्थर हैं। ये देखिए, मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये पत्थर, ये सारे जो यहाँ पे ऐसे ही पत्थर है, ब्लैक ब्लैक, और इन पे जब आप कह सकते हैं जब यहाँ पे गर्मी होती है तो इन पे डबल एक्शन होती है गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है यहाँ पे जून जुलाई में गर्मी। ये सूरज की जो रोशनी है और ये ब्लैक पत्थर पे जब पड़ता है तो ये दर्जा यारा जो गर्मी है वो ज़्यादा पैदा करता है। ये बस अल्लाह पाक की एक कुदरत का एक निज़ाम है। हाफिज भाई, तो यही जगह बारे तक हम मैं उसी ख्याल आने जार कर बड़ी शर्मिंदा का बीत मर्द।
जी इस वक्त हम लोग आए हैं, कुछ दोस्त वो काम पे लग गए, लेकिन यहाँ पे एक दोस्त ने जो चाय बनाई है जिसे हम ईरानी चाय कहते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चाय, और उस चाय को ये कावा चाय, पीका चाय, और इसको जो है ज्यादातर इस गुड़ के साथ पिया जाता है। और ये इसकी खास वजह ये कि आप जितना भी काम करें जब तक जाए तब ये चाय पीकर जो है हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद है जो यहाँ पे हम सारे बैठकर यही चाय नोश फरमा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और दोस्त है, बाकी हमारा जो है एक ऑफिस दोस्त, वो उससे हम काम ले रहे हैं और उसे हम लोगों ने इसी मकसद से लाए ताकि वो काम करे। जब हम लोग शहर से निकले थे पिकनिक के लिए तब मैंने इनसे कहा था कि पिकनिक की एक उसूल है जो हम एक चीज़ ज़रूर भूल जाएंगे, और अब याद आया वो चीज़ क्या था, तो वो जनाब ये बताएंगे। बारे हाल दे अम्मा अच्छी चीज़ ही दिला उठता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पिकनिक है तमें मसला बूता कि अम्मा यक ने एक चीज़ रखा खा दे आल कुर्ता भले ये वारी मसला कमेंट टू इन तकरीबन पचे कि अम्मा अम्मा हाँ से चीज़ा भी आल कुर्ता आरा बलूचिए था परजोनक का गुशम ब्राउये था बिशेंग को तकरीबन उर्दू है था निखल दस्तरखान का गुशन थे हम मारो जो मसला है कि दस्तरखान भी आल दस्तरखान को आज भूल गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो है कशानी साहब से कि क्या आप लोगों की सोसाइटी में यही होता है कि हर बार आप लोग चीजें भूल जाते हो? जी हाँ बिल्कुल नूरबल बलोशी साहब, हम पिकनिक का एक उसूल है तब तो शमोद गुश्त है कि एक चीज़ ही बेख्याल कुर्ता का हालांकि मुझ चीज़ा लिखे था कि मुझ चीज़ मुकम्मल हैं नूं कि नाने चेमात कि ना नवरन पर जोना गून नहीं तो हमें वड़ार पिकनिक का एक चीज़ हम बेख्याल कुर्ता के तो पिकनिक के उसूल हैं भाई। भीड़ और ट्रैफिक से बहुत दूर और यहाँ पे आके आपको एक अलग ही इत्मीनान और सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं आपको कहता चलूँ कि अभी ढाई बज चुके हैं और खाना बनने में अभी तक बहुत टाइम है, मुझे भूख भी लगी है, तो मैं इस मुख्तसर भूख को मिटाने के लिए ऑरेंज ले रहा हूँ और अभी इस ऑरेंज को जो है मैं नोश करूँगा। मुकम्मल आई खादर तैयारी अभी गोजे जूर इंशाल्लाह गुड़ा मजा आ का ना के वड़े और तो बेहतरीन खुराक माशाल्लाह मलिक वराम साहब जो करता घोड़े कबाब आई दिन अम्मा वार्ता पहले मुकाम बास कम अम्मा वार्ता मशीन बास बेहतरीन है शेख शाफिज ये पक्की तक अंतने खते हैं जी। अच्छा बराबर इसी तो सिर्फ छह मांग करता के छमा भाई हमें असली मकबाली घुमा उड़े ना अच्छा वो हिसाब ने इसके बाजार शारी मर्द मसाला जात इस्तेमाल करना घुमा चीज नहीं इस्तेमाल बस हमें सादा सीधा है अल्लाह पाक शान वक्त लिज्जत माना करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल पिकनिक में जो सबसे ज्यादा जिसने बहुत काम किया है और यहाँ तक किसने अभी बिरयानी भी बनाई, ये जो बिरयानी आप देख रहे हैं आगे पता चलेगा कि इस बिरयानी की टेस्ट कैसा है ये हाफिज ने बताया। हाफिज क्या आप बताना चाहते हो कि आपने कहा कि मैं कुछ बताऊंगा अपने व्यूवर्स को, बताओ भाई गप पे राजिंग के पिकनिक है तो मर्दों में हर चीज़ बेख्याल है मरोसी मर रहा है बेख्याल कुर्ता पिकनिक है। बिल्कुल हम लोगों ने आज रास्ता भी भूल गया है जाना किधर था और निकल किधर गए, वो पल आ गया जिसका स्पेशली मुझे बहुत इंतज़ार था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और अब जो है खाना भी तैयार हो गई और वहाँ पे जो हमारी जो है अभी मोहतरम हाफिज भाई चावल डाल रहे हैं बिरयानी और बस अभी हम लोग खाना भी शुरू करेंगे फिर अपनी व्लॉग को जो है ख़त्म करेंगे। और इसी तरह ये कहानी एक उम्मीद की सुबह से शुरू होकर तारीकी शाम पर ख़त्म हुई जिससे मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा।
अब तो जाते हैं मुकद्दे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। फी अमानुल्लाह वस्सलाम।